एक पॉइंट और आया, यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाएगी। ले ले ले, ऊपर लिया। पूरी ट्रिप में यही एक्साइटमेंट रहेगी कि हम अपनी वरना यहाँ तक कैसे लेके आया। यहाँ से लेके आया भाई, इस ट्रिप में मजा आ रहा है। इतना मस्त व्यू आ रहा है ना भाई, लिटरली इतना मस्त व्यू। अंकित उस पॉइंट से लिया, ये ऊंचे ऊंचे पत्थर है भाई। आ जा, लिया 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 धीरे धीरे लिया, वरना वहां तक लिया जहां तक किसी की गाड़ी नहीं आ सकती। दमो। अच्छा, आते में सब कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ पे जंगली जानवर आना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई जानवर आता है तो इसे घर की तरफ भागना है। तो आपको दोनों आग ऊपर करने हैं और जोर जोर से चिल्लाना है। तो हर जगह चेतावनी लिखी हुई है कि आपको क्या नहीं करना है। ओ हो भाई, ये क्या देख लिया। मतलब जो आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ भाई, जन्नत है जन्नत। एक दो और... हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो आप बोल रहे हो मेरा दमो की ब्लॉग की सीरीज चल रही है, मतलब मैं बीच में घर से कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एक्चुअली रीजन क्या है कि मैंने अभी जो मेरी बहुत सारी ना फुटेज क्या हुआ करप्ट हो गई, उनमें से एक वो भी थी जिसमें मैंने अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट किया था दमो के अंदर। जैसे कि आपने पहला वाला ब्लॉग देख लिया होगा, और नहीं देखा किसी ने तो मैं यहाँ पे आई बटन पर लगा दूँगा, जाके देख लेना, उसके बाद इस दूसरे ब्लॉग पर जाना। और जिसने पहला ब्लॉग देख लिया, ये दूसरा ब्लॉग भाई मज़े आने वाले। तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़, और शेयर जरूर करना अपनी फैमिली के साथ, और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताना। तो जल्दी से जाओ और आगे का ब्लॉग एंजॉय करो। ओके, तो भाई एक पॉइंट और आया, यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाएगी, इसलिए हम उतर गए गाड़ी में से ताकि आराम से आ सके। इधर से काट, हाँ, और पूरे यहाँ से और ले, हाँ। और पूरी ले ले, ला ला लिया ले ले ले, आगे ऊपर लिया, ऊपर लिया 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 आजा आजा। सो भाई इस पूरी ट्रिप में यही एक्साइटमेंट रहेगी कि हम अपनी वरना यहाँ तक कैसे लेके आया भाई। सो जिसको भी भाई, जिस पे थार नहीं है और जिस पे भी सेडान गाड़ी है, तो भाई वो भी आ सकता है। अगर हम आ रहे हैं तो आप भी आ सकते हो, तो प्लीज़ जल्दी आओ। अब यहाँ से आगे तो रूट सही है भाई, चले। तो भाई जो भी ऐसे पॉइंट आ रहे हैं ना जहाँ हमारी गाड़ी कहीं अटकती है, तो हम उतर जाते हैं और वो उसको गाड़ी को आराम से निकालते हैं, बिकॉज वजन हो जाता है ना गाड़ी में। तो ये है, उसके लिए हम फिर दोबारा उतरे। कुछ नहीं है भाई। तो ये गड और है, तो भाई ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो रही है, यहाँ पे पता है क्या, अब रोड आ गई है। तो ये है, चलो। नहीं है, सही है लिया। यहाँ तक आइए क्या, यहाँ से लिया। भाई इस ट्रिप में मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बाइक से आते तो हम सीधे आ जाते, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भाई अगर हम कार से आ रहे हैं ना, और वो भी बरला से, तो और मजा आ रही। उनके तो अभी वहां ले गया गाड़ी, लेकिन हमें जाना है यहाँ पे राइट हैंड पे है। सो अभी ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, इनसे पूछा है कि राइट हैंड की तरफ जाना है, वहां पे आएगी, तो उस साइड रोड है नहीं, बैठ जाएगी अब। सो भाई अब आगे की रोड है वो बिल्कुल सही है, तो वहाँ आराम से हम बैठ के जा सकते हैं। और लिटरली पसीने देखो कितना हो गया भाई, स्वेट सही है अब। I don't get what you're saying. All of these games you're playing. Can't put for in your message. No, I'm not here for your show. Wasn't asking. But I've been quitting what you're saying. यहाँ इतना मस्त व्यू आ रहा है ना भाई, लिटरली इतना मस्त व्यू। यार एक चीज़ की मिसिंग मैं कर रहा हूँ, अगर यार ड्रोन होता ना मैं तो आपको और अच्छे से दिखा पाता, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको हर चीज़ दिखा सकूँ, और जितना भी आपको एक्सप्लोर करा सकूँ कि अगर आपको कभी आना है तो कैसे कैसे आपको कौन कौन सा हर्डल्स पार करने हैं, तो वो है। तो और अगर आप बाइक से आते हो तो आप विदाउट किसी हर्डल आ सकते हो ईजिली, या ऊँची कोई थार वार से। बट अगर आप वरना से आते हो या ऐसी कोई भी सेडान गाड़ी से आते हो, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि ऐसे आ सकते हो। मतलब अभी दोबारा थोड़ी ऑफ रोड आ गई है।
भाई यहाँ पे जो रहते हैं उनसे थोड़ा पूछते हैं कि कहाँ से यहाँ से और कहाँ जाना है, बिकॉज हमें अभी पता नहीं चल रहा भाई। और यहाँ से व्यू देखो यार तुम, और सब छोड़ो व्यू देखो कितना दूर दूर तक है भाई, यहाँ से भाई मस्त देखो। कौन सा? अरे वो सामने मकान, वहाँ जाना है, वहाँ तक गाड़ी चली जाएगी हैं? ओ भाई भाई वहाँ सामने मकान है, कितना दूर हो रहा, जैसे मेरी फिंगर। अरे ये रहा ना, ये जा रहा है कच्चा रास्ता, वो जा रहा, वो सीधा सीधा उधर ही जा रहा है, वो जा रहा है उधर। सो भाई वो वाला मकान है भाई यहाँ से, मैं सोच रहा कि 200 मीटर होगा भाई, 200 नहीं है, कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर है भाई, वो पास नहीं है, और यहाँ से रास्ता सही लग रहा है। तो चलो चलते हैं जल्दी से, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। तो बस अरे बैठ चलो, अभी भी मतलब हम जाए जा रहे हैं उस पॉइंट भाई, और हमें पहली गाड़ी दिखी है भाई इस रोड पे, नहीं तो अभी तक हम ये सोच रहे कि भाई कुछ तो देखे कुछ तो देखे। अब ये गांव वाले से पूछा हमने, और भाई ये पहली गाड़ी देखी। कितना दूर है, कितना दूर है भैया? अभी दो किलोमीटर अच्छा, वहाँ कुछ ऐसा पॉइंट है यहाँ सेफली गाड़ी खड़ी हो जाए हमारी, खड़ी करके फिर पैदल पैदल चले जाना आप। ओके, क्योंकि पानी के वहाँ से जाऊँगा, वहाँ तो फिर कूड़ा फोड़ चाहिए। अच्छा, आते टाइम हमें कूड़ा फोड़ लगाना पड़ता है, जो फोड़ जाती है। ओके ओके, थोड़ी नीचे भी है, ये तो जाएगी नहीं, तो आप यहीं खड़ी करके। अच्छा वैसे वहाँ पे है मतलब कि सेफ खड़ी कर सकते ना? ओके भैया थैंक यू। सो भैया ने बताया कि वहाँ पे एक फॉल आएगा वाटरफॉल, उससे आगे नहीं जा पाएंगे हम। नहीं जा पाएगी। सो भाई अब एक पॉइंट आया है भाई ये वाला, तो भाई यहाँ से इम्पॉसिबल है निकालना। निकल जाएगी, निकल जाएगी भैया, अरे पत्थर तक के निकल जाएगी भैया, पत्थर तक के निकल जाएगी, चढ़ा नहीं पाएगा बाद में, फिर तू चढ़ाने की दिक्कत होगी, वहाँ से भी निकलेगी। सो भाई ये पॉइंट में हम आके अटक गए, अब यहाँ से कैसे आगे जाएगी ये है? क्या निकलेगी भैया, बड़ी गाड़ी निकलेगी साइड से, तो कोई जगह नहीं, पता नहीं, और देखते हैं। तभी वहाँ पे गया है वो, देखो जूम करके दिखाता हूँ, वो जा रहा। अब वो ये इसलिए गया है कि वहाँ रास्ता देखने गया है कि वहाँ कोई रास्ता है या नहीं गाड़ी, ताकि हमारी चले है रास्ता है। अरे भाई भाई वो देखो कितना दूर चला गया है, वो रहा ये रहा, मैं अभी पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत दूर है भाई। टाइम ख़राब नहीं करते, रास्ता देखते हैं दूसरा, क्योंकि रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी हमें। सो भाई यहाँ पे अपने गांव वाले भी है, तो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे यार ये इस पॉइंट पे आके हम फंस गए गंदा। अब ना अपनी गाड़ी यहाँ पे बीच में लगा के भी कहीं नहीं जा सकते, और कैसे जाएंगे अब बताओ नितिन भाई कैसे? वो रास्ता लग रहा मेरे को तो, हैं ला पानी देना, यहाँ से हमने मोड़ी है ना। क्या हुआ वहाँ कोई रास्ता मिला? कोई भी नहीं। सो भाई वहाँ भी कोई रास्ता नहीं मिला है। अब अंकित वहाँ पे गया है किसी से पता करने, उसके बाद देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम रुक के 2 मिनट सोच रहे हैं, और तब तक आप सुन वो, सो जब तक हम यहाँ पे सोचते हैं कैसे कहाँ जाना है, वो यहाँ से आ गए भाई, आ गए एक गाँव वाले आ गए, ये रहे भाई डूब, वो है ना डूब के डूब डूबते को तिनके का सहारा मिलता है ना, वो मिल गया है चाचे। चलो चलते हैं इनसे पूछते हैं कैसे जा सकते हैं अपनी गाड़ी, मेन गाड़ी है मेरी। ओ यहाँ सच्ची में भाई हमसे चला नहीं जा रहा, तो हम गाड़ी कैसे लाते भाई? सही कह रहा, यहाँ गाड़ी नहीं लाए, बहुत गंदा रास्ता है। नीची गाड़ी है नीची, यहाँ से तो नहीं जा पाएगी चाचा, नीची गाड़ी है चली जाएगी यहाँ से, यहाँ से अच्छा यहाँ से नहीं जा पाई। चेतावनी का साइन लगा हुआ है, अभी आगे ये छोटी गाड़ी है। अच्छा वो चेतावनी का साइन लगा हुआ वहीं से ना है? ओके धन्यवाद। अच्छा अच्छा, सो भाई वो पॉइंट है, और चाचे बता रहे हैं जो आपको भी सावधानी वाला रास्ता दिखाया था ना, जहाँ हम पहले ले रहे थे, कह रहे वहाँ से चले जाओ, वहाँ से आपकी गाड़ी चली जाएगी। तो सही है भाई, अब वहाँ चलते हैं, और यहाँ से तो नहीं आ पाती भाई गाड़ी, ये देखो कैसा रास्ता है। Oh, 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 oh
कह रहे वहां से चली जाएगी, वो कह रहे ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारे, कह रहे तुम ज्यादा दूर नहीं हो उधर से, अब ये बगल में ही है भाई, पहुंच के ही माने के वहाँ जैसे भी है। वाला फील आ रहा है, हम कोई गेम खेलते ना तो वैसा फील आ रहा है, टॉम राइडर अगर किसी ने खेला हो तो भाई तुम कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ से। अब हमें मतलब सोचना है कहीं हम जाके अटक गए, उसके बाद अब हमें देखना है कैसे कहाँ जाना है, बिकॉज यहाँ पे ना गूगल मैप चल रहा है ना हमारे नेट चल रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा है कि एक अंकल दिख गए तो उनकी तरफ से पता चल गया। तो अब उस वाले पॉइंट पे हम आ गए, चेतावनी वाले पॉइंट पे हम आ गए, तो इसी रोड पे चल रहे हैं जो उन्होंने बताया था। तो अब देखते हैं, होप सो अब सही रास्ते पहुँच जाए हम, और जल्दी पहुँच जाए, अब बहुत हो गया, अब पहुँच जाना चाहिए हम। जब तक हम यहाँ से गाड़ी तो निकलवाते हैं तब तक रेत आगे देखने जा रहा है, बिकॉज आगे कोई ऐसा हर्डल ना हो जिसमें हमें दिक्कत हो जाए, फिर यहाँ पे हम इसे यहीं पे रोक लेंगे। सो अब ये पॉइंट है तो यहाँ से गाड़ी आराम से आ जाएगी। आ जा आराम आराम से लाइयो, लिया इस साइड काट, इस साइड नहीं नहीं बस सीधे आंदा हो, नहीं आएगा बड़ा, आ जा लिया 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 धीरे धीरे लिया, बस बहुत बढ़िया। So, भाई अब इधर से तो हमारा पार हो गया, अब आगे देखते हैं आगे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से ले जाएं हम के, यहाँ से हुआ हम पे आधा घंटा, और आधा घंटा यहाँ से अब क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें गाड़ी रोक के यहाँ से आगे जाना है, उसमें मतलब पैदल पैदल जाना है यहाँ से, और यहाँ से मतलब हार्डली आधे घंटे का रास्ता, और आधे घंटे का ही है, मतलब 5 बजे तक की है ओपन, कह रहे 5 बजे से पहले पहले वहाँ से निकला ना। तो भाई देखते हैं अब आ रहे हैं, अब आए हैं तो भाई तो जाएंगे तो सही, और शूट तो करेंगे चाहे 5 से 5:30 हो जाए। और आपको झरना दिखाता हूँ कि मस्त है, मतलब झरना थोड़ा कह रहा हूँ जहाँ से मतलब इधर पॉइंट्स के बाद जो गाड़ी आगे नहीं जाएगी वो दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये पानी जा रहा है मस्त, और देखो कितना क्लीन पानी है, साफ पानी है भाई, ये देखो देख लो मस्त। तो भाई फाइनली हम अपने बैग वैग ले रहे हैं ताकि वहाँ पे जो हम सोच के आए ना कि नहाएंगे वहाँ पे ना, तो वो सही है। और वैसे 5 बजे से पहले पहले ऐसे मैंने आपको बता दिया है पहुँचने पहुँचना है, तो फिर अपना मैंने बैटरी ले लूँ, सो मेरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैटरी थी ये ले लेते हैं, और मैं अपना भाई गाड़ी वहाँ तो आ रही है, देखिए एचपी वाला बैग किसका है, मेरा कोई गाड़ी है नहीं निकल सकते। तो भाई फाइनली अपने बैग वैग ले लिए, अब यहाँ से चलते हैं। ओके तो भाई ये देखो पॉइंट क्या मस्त है, तो हमने गाड़ी अपनी वो वहाँ पे पार्क करी है, अब यहाँ से वहाँ पे जाना है, वो देखो आपको घर दिख रहा है कितना दूर है यहाँ से, तो वहाँ जाना है। और यार मैं जूते पहन के आया हूँ, अब यहाँ से अपना सेफली मुझे पहुँचना होगा कि मेरे पैर गीले ना हो, तो ये निकल तो जाएगा आराम से। तो भाई आ गए तो यार दिक्कत नहीं हुई, और लिटरली लेकिन यार एक्साइटमेंट इतनी है ना मतलब, और इतना मज़ा आ रहा है ना भाई वो अलग है, और जो वेदर है वो अलग ही है भाई। भाई एक स्कॉर्पियो देखी भाई यहाँ पे, मतलब ऊंची गाड़ी तो आ ही सकती है लेकिन भाई वरना वहाँ तक लिया जहाँ तक किसी की गाड़ी नहीं आ सकती, मतलब कोई नहीं लेके आया होगा उधर, वहाँ तक हम वरना लेके आया अपनी, देखते हो। और देखो यहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं, भैया अभी जा सकते हैं ना उधर, क्यों कोई दिक्कत,
जंगल है नीचे वैसा है जरा उसके अरे वो कितने नोटिस बोर्ड पर लिख रहे हैं ना। अच्छा नोटिस बोर्ड पर लिखा है, कोई नहीं है वहां पे, आप ही हो बस। अच्छा पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। अच्छा सो भैया बता रहे हैं कि भाई आगे मत जाना क्योंकि कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आप ही हो। लेकिन ये एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, आपको दिखाएंगे सब। क्या मनीष, मनीष कह रहे फिर तो सही है कि पूरी प्रॉपर्टी फिर तो हमारी होगी क्योंकि हम ही हैं। क्यों मनीष भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी पूरा मजा लेके आएंगे भाई, पूरा मजा लेके आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लोड लोड के आएंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बढ़िया था गुरु, जब तक खोदेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। और भाई यहाँ से वेदर देखो कितना प्यारा हो गया, देखो क्योंकि तो मस्त हो गया वेदर भाई मस्त। अब देखो हम जा रहे हैं और लोग हमें ना आते हुए दिख रहे हैं, अब जा नहीं रहे हैं, यहाँ से सब आ ही रहे हैं। सब कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ पे जंगली जानवर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो जाने से पहले देख लेना। ओके सो भाई यही है देखो, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बस जानवरों से डर है तो वो दिक्कत है। अंकित अंकित कह रहा है कहीं और चलते हैं। मैंने जब कही थी बटेश्वर चलते हैं। हाँ कोई कोई बात नहीं, बटेश्वर भी चल लेंगे किसी दिन, अब जो आया वहाँ का तो एन्जॉयमेंट लेंगे। सो भाई हाँ ये लो भाई, क्या मस्त है भाई, ये पॉइंट है। सो जैसे कि आपने जैसे आपने देखा होगा ना स्टार्टिंग में व्लॉग के, फर्स्ट वाले व्लॉग के स्टार्ट में हम दो जगह जाने में कंफ्यूज थे, एक तो ये यहाँ पे आने में, एक बटेश्वर। तो हाँ हो गया भाई, तो भाई यही थी कंफ्यूजन कि अंकित चाहता था बटेश्वर चले, बिकॉज यहाँ पे आने का टाइम हमारे को सोच रहे थे कि ज़्यादा टाइम लगेगा वो है। और यही घर आ गया वाला हीरो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आए थे है अंकित कह रहा है कि घर किसने बनाया यहाँ पे, लेकिन हाँ सही कह रहे हो, वॉश टावर है ये घर नहीं है भाई, वॉश टावर है ये। एक चीज़ है सुनो, अगर कोई जानवर आता है तो इसे घर की तरफ भागना है। हमारे लोग देखो कितना दूर पहुंच गए वो रहे, और इन्हें हमारे साथ रहना चाहिए, इन्हें हमारे साथ रहना चाहिए, बट ये दूर दूर भाग रहे, ये सही नहीं है। क्यों मनीष, क्यों? क्योंकि अगर भाई ऐसे में आप आ रहे हो ना तो आपको पूरे ग्रुप बन के चले तो भाई सही रहता है। आपको ज्ञान दे रहा हूं, अगर जंगली जानवर आपके सामने आ गया हाँ। तो आपको दोनों हाथ ऊपर करने हैं और जोर जोर से चिल्लाना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा ये होता है, इससे क्या होगा कि जानवर वो समझेगा कि ये बहुत बड़ा बो है, वो डर के मारे भाग जाएगा। चुप चुप हो जा सातवीं फेल। अच्छा कभी भी आपके सामने जानवर आ घबराए नहीं, भागे नहीं, पीछे नहीं भागे। अच्छा अपने दोनों हाथ खड़े करें, जोर जोर से चीखे। अच्छा कुछ भी चीखे, जोर जोर से चीखे। अच्छा जिससे कि बिल्कुल एकदम जानवर घबरा जाएगा, वो भाग जाएगा वहाँ की वहाँ। अच्छा सो भाई यहाँ पे एक चेतावनी लिखी हुई है, वो रही तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, बहुत दूर है तो वो भी आप ध्यान में रखना। कभी मैं दिखा रहा हूँ और मेरे जो साथी है सब साल वहाँ पे चले गए हैं, और लेकिन मैं आपको इस चेतावनी पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आप आओ तो आपके माइंड में रहनी चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। यहाँ गंदगी ना फैलाए, नीचे जाना मना है, अपने सामान की सुरक्षा करें। तो भाई यही लिखा हुआ है, हर जगह यही लिखी हुई है, ये भी रही एक चेतावनी लिखी हुई है, तो हर जगह भाई चेतावनियाँ लिखी हुई है कि आपको क्या नहीं करना है। तो ये अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी है, गंदगी नहीं फैलानी, देखो लोग ऐसे आते गंदगी फैलाते, ये नहीं करना चाहिए। तो ये है भाई मस्त, भाई सब वो नीचे चले गए, हम भी जाते हैं भाई, हालत भी हो गई, लेकिन जो एक्साइटमेंट है और जो मजा आ रहा है। ओ हो भाई ये क्या देख लिया, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ओए ओए भाई ये क्या देख लिया, ओए ओए
चले वहाँ चले, क्यों मैं क्यों मैं तो जाऊंगा वहाँ है ना। अरे यार नहीं लगेगी, रुक जाओ। ओए सो एक और दो, मतलब जो आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ भाई, जन्नत है जन्नत, तो जुड़े रहो। एक दो और तीन, क्या मस्त है भाई, देखो क्या मस्त है। ओ भाई पता है, देखो वो है जो दमो लेक, तो दमो वाटरफॉल है वो वाला है, बट हम यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं। तो हमने सब ने मतलब अब सब ने हमने मिलके ये प्लान किया है कि यहाँ से आगे नहीं जाते, बिकॉज दिक्कत है। क्या कहना चाहता है? मैं ये कह रहा हूँ सांस खींच के देखो, यहाँ पे अलग ही खुशबू आ रही है यार, ऑक्सीजन का लेवल अलग ही यहाँ पे। क्या कह रहा है? यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कोई जानवर अगर काट गए हैं बचना भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा हम कितने सारे हर्डल्स पार करके यहाँ तक आए फाइनली, बट ये है कि एंड वहाँ तक नहीं जा पाए, बिकॉज जैसे कि बताया आपको यहाँ पे हम जितने भी रेजिडेंट थे, जो भी यहाँ पे विजिटर थे, उन्होंने बताया कि 5 बजे के बाद भाई नीचे मत देना, जाना तो भाई हमें यहाँ तक के आते आते 5 ही बज गए। सो हमने सोचा कि इसके बाद वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। सो अब इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी, बहुत जल्दी मैं यहाँ पे आऊँगा और सही टाइम पे आएंगे, ताकि नीचे की साइड आपको जाके बाइक से आएंगे। सो बाइक से इस बार आएंगे। सो अच्छे इस टाइम, मतलब इस टाइम से ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, बोलने दो, लेट मी यस। सो इस टाइम मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे और पूरा वहाँ तक आपको दिखाएंगे। सो सही है, इस व्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और फैट बर्निंग कमेंट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। क्या बोलना चाहते हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपकी किसी नई वीडियो में, और जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, मजाक नहीं है ना। और वहाँ तक मेरा जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे साथी है वो नहीं जाना चाहते। तो फिर सही है, इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो किसी ऐसी नई वीडियो में। जब तक लिए बाय, गुड नाइट। भाई इसमें नहाने का मन कर रहा है हमारा, एक यहाँ से जाते हुए वहीं झरने के पास ही जा रहा है, तो पॉइंट हम सोच रहे नहाना चाहिए। तू ना है सच्ची लेकिन आएगा तो फिर मेरे को हड्डी पकड़ी। एक आध जना कूदेगा ना तो एक आध जने को हिम्मत आएगी। कैमरा चल रहा है, शानदार जगह है। मनीष आराम हो गया, काम निकल गया। पे आइए चप्पल पे नहीं मारना पड़ेगा, पहले गई थी काई है। तो अंदर बैठो ना, इस पर बैठ जाओ, इससे बेहतर है। अभी हम यहाँ पे नहाने की सोच रहे थे, तो यहाँ से क्या हुआ, मैं मतलब फिसल गया बहुत बुरी तरह, और ये पूरा देखो पैर मेरा कट गया। कितनी सारी मछलियाँ देखी, देख चेरी, देख ये कितनी सारी है। ये पूरा देखो पैर कट गया मेरा, ब्लड ब्लड निकल रहा है, और मेरे गोप्रो में भी पानी चला गया भाई। मैंने अभी साइड में रख दिया सुखाने, पाँव बता देंगे, पाँव में छू रहे हैं, वही वाली है क्या? पता नहीं, वही वाली है भाई, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पानी में। चले चलो। It gets ingrained in my head and I start to